मामू जी, तेरी आंसू क्यों? पुत्र, जब इंसान बहुत खुश होता है ना तो आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं। ये खुशी के आंसू है पुत्र। अरे गिरीश, टॉक मत हो, खुशी के आंसू है। और होगी क्यों नहीं, मेरे मामा जी फाइनली पूरी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, बेसमेंट से बाहर आ जाएंगे, ऑल हैप्पी। क्या? हाँ, हिप्पी हुर्रे, हिप्पी हुर्रे, हिप्पी हुर्रे, फाइनली। अच्छा लगा पृथ्वी, तुम्हारे चेहरे पर ये हारी हुई हंसी देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अकड़ दिखा रही हो, जितनी अकड़ दिखानी है दिखा लो प्रीता, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे ये जीत की जो अकड़ है ना, आई स्वेयर ये बहुत जल्द पृथ्वी मल्होत्रा तुमसे छीन लेगा। नहीं पृथ्वी, मेरी ये हंसी तुम मुझसे कभी नहीं छीन पाओगे, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अभी तो ऐसी बहुत सी खुशियां आएंगी, क्योंकि अब यहाँ मैं आ गई हूँ। अब तक मेरी ये फैमिली अकेली थी, अब इनके लिए मैं लड़ूंगी, हर लड़ाई जीतूंगी, तुम जैसे राक्षस से अपनी फैमिली को बचा कर रहूंगी, ये मेरा वादा है। चलो चलो, महेश को ना बेसमेंट से लेकर आते हैं। चल पुत्र। चलिए मामी जी। ये गिरीश चाय अच्छी बनाता है ना दादू? चल सृष्टि, टाइम हो गया। हैं? किसका टाइम हो गया, क्या करना है? अरे बाबा, महेश पापा की बर्थडे सेलिब्रेशन का टाइम हो गया, चलो। पर हमें क्या करना है? मैं चाहती हूँ कि आज के दिन महेश पापा सिर्फ अपनी बर्थडे पार्टी मनाने के लिए बेसमेंट से बाहर ना आए, सारा दिन वो अपने कमरे में रहे, फैमिली के बीच में रहे, हम सब उनके आसपास रहे। जब महेश पापा अपने पूरे परिवार को अपने सामने देखेंगे हंसता खेलता अपने आसपास, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, और शाम तक अपनी बर्थडे पार्टी तक महेश पापा बहुत अच्छा फील करेंगे, ऑलमोस्ट नॉर्मल फील करेंगे। वो दादी होता है ना, कभी कभी कोई बीमारी को ट्रीट करने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वो ट्रीट नहीं होती, और कभी कभी एक ही दिन में कुछ ऐसा होता है कि बीमारी एकदम हट जाती है और इंसान एकदम अच्छा फील करने लग जाता है, होता है ना। और एक और बात सृष्टि, तू ऐसा कर, वो जो लूथरा इंडस्ट्रीज के सीनियर लॉयर है ना खारबंदा, उनसे जाकर मिल, वो उस जज को बहुत अच्छे से जानते हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि महेश पापा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, और फिर उनके काम की सारी बागडोर पृथ्वी के हाथ में दे दी थी, और महेश पापा के उन पेपर्स पर सिग्नेचर भी लिए थे, उनको भी इनवाइट कर, और उनके साथ साथ डॉक्टर जरीवाला को भी इनवाइट कर आज की पार्टी में। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जज अंकल और डॉक्टर जरीवाला को पार्टी में इनवाइट करने की जरूरत ही क्या है? अरे पागल, यही दोनों तो सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट्स हैं आज की पार्टी में हमारे लिए, यही दोनों है ना जिन्होंने सर्टिफाई किया था कि महेश पापा पागल हैं। अब यही दोनों बोलेंगे कि वो पागल नहीं है तो लोग मानेंगे, क्योंकि मेरी बात तो कोई नहीं सुनने वाला। महेश पापा कितने भी नॉर्मल एक्ट करें, अगर मैं बोलूंगी कि वो अब ठीक हो चुके हैं तो कौन सुनेगा? मेरी बात तो करण तक नहीं सुनता, तो किसी और की बात तो भूल ही जाओ। पर ये दोनों लोग जब बोलेंगे कि अब महेश पापा एकदम फिट हैं और पागल नहीं है, तो सारी फैमिली सुनेगी और उनकी बात मानेगी भी। लेकिन क्या वो लोग ऐसा करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, सर्टिफाई करेंगे? करवाएंगे, हम ऐसा करवाएंगे, इसीलिए तो मैं इस घर में बॉस की हैसियत से आई हूँ, ताकि ये सब काम करवा सकूँ। अगर प्रीता बनकर आई होती तो शायद मुश्किल होता। अब इन दोनों के मुंह से मैं निकलवाऊंगी कि महेश पापा बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं और अब उनकी तबीयत ठीक है, और उसके बाद महेश पापा को उनकी पुरानी जगह, ओहदा, रुतबा, वैल्यू, रिस्पेक्ट सब कुछ वापस मिल जाएगा, स्पेशली उनकी दौलत जो हमेशा से उनकी है। दीप, सुनने में ना बड़ा आसान लग रहा है आप जो भी कह रहे हो, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मतलब। हाँ मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, हम चाहेंगे तो जरूर हो जाएगा। आज महेश पापा के बर्थडे का दिन हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, हम चाहें तो आज के दिन में इस परिवार की किस्मत पलट सकते हैं। महेश पापा के माथे से पागल होने की मोहर हटा सकते हैं, उनको उनकी रिस्पेक्ट, उनकी जगह वापस दिला सकते हैं, और ये पृथ्वी इसको जमीन पर फेंक सकते हैं। अगर सब कुछ जैसा हमने सोचा वैसा हुआ तो महेश पापा ठीक हो जाएंगे और बेसमेंट से बाहर आ जाएंगे, और कोई उन्हें पागल नहीं कहेगा।
और पृथ्वी अच्छा खासा पागल हो जाएगा। महेश पापा तो फिर भी बेसमेंट में थे, उसे तो बेसमेंट में भी जगह नहीं मिलेगी, सीधा मेंटल असाइलम जाएगा। पिछले 2 सालों में जितना भी घपला किया है उसने, अपने हाथ में जो कुछ भी जोड़ा है सब उसके हाथ से फिसल जाएगा। एक पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। लेकिन आज की रात ही है हमारे पास ये सब करने के लिए, क्योंकि आज के बाद डॉक्टर और जज को साथ में इस घर में इनवाइट करने का मौका पता नहीं हमें मिले ना मिले। और फिर कल को ये पृथ्वी तो मोना जैसी कोई और लाकर खड़ी कर देगा, जो महेश पापा को फिर से टॉर्चर करेगी और फिर से बेसमेंट में बंद कर देगी। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती ऐसा हो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, समझ गई ना सृष्टि? हाँ समझ गई, सब समझ गई। बस तो बहुत समझ के साथ काम करना है, एक एक कदम फूक फूक कर रखना है, ठीक है? You don't worry जी, हम ये करके दिखाएंगे। आपको वो जज अंकल और डॉक्टर जरी वाला चाहिए ना पार्टी में, उन दोनों को पार्टी में मैं लेकर आऊंगी। You don't worry। दादू मुझे जाना होगा, दी मैं आती हूँ। हाँ हाँ। प्रीता बेटा तेरे इरादे बहुत नेक हैं, लेकिन क्या सब कुछ हो पाएगा? और अगर कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? दादी जब इतना बड़ा काम करना होता है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है ना। सोचो थोड़ा सा रिस्क उठाकर हम अचीव क्या कर रहे हैं, महेश पापा को वापस इस घर में ला रहे हैं। देखना दादी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, महेश पापा अपनी फैमिली के बीच में रहेंगे एकदम नॉर्मली और सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तेरे इरादे जरूर कामयाब होंगे। तुम जानती हो प्रीता को जहर किसने दिया? उस मोना ने। रॉन्ग, प्रीता को जहर खुद प्रीता ने ही दिया है। क्या प्रीता खुद को जहर कैसे दे सकती है और क्यों देगी? You heard it right। और तुम शायद भूल रही हो कि प्रीता खुद एक डॉक्टर है, वो जानती है कि एग्जैक्टली कौन सा पॉइजन कितनी क्वांटिटी में किस वक्त कैसे रिएक्ट करेगा। और वो ये भी जानती है कि हमने मोना को यहां पर क्यों रखा था, महेश लूथरा की देखभाल करने के लिए नहीं बल्कि हमारी देखभाल करने के लिए, वो हमारे लिए काम करती थी। तो बस उस प्रीता ने हमारे साथ गेम खेला, बस इसलिए उसने खुद को जहर दे दिया और इल्जाम मोना पे लगा दिया ताकि मोना हमेशा हमेशा के लिए यहां से चली जाए। उस प्रीता को यह लग रहा है कि वो हमारे साथ गेम खेल रही है। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं उसकी सारी प्लानिंग को फेल कर दूंगा। अगर इस मोना ने सच में प्रीता को जहर दे दिया होता ना तो ये प्रीता नाम की मुसीबत हमारे सिर से हट जाती, हमारी जिंदगी से निकल जाती, लेकिन नहीं, प्रीता ने खुद जहर ले लिया। तुम सही कह रहे हो, प्रीता कोई बहुत बड़ा गेम प्लान कर रही है, वो चाहती है कि तुम और मैं इस घर से चले जाएं, उसके बाद वो इस घर में राज करे, तुम और मैं हार जाएं और वो प्रीता जीत जाए। नहीं, मैं उसे किसी भी हाल में नहीं जीतने दूंगा। आज तक पृथ्वी मल्होत्रा ने ना कभी हार मानी थी, ना मान रहा है और ना कभी मानेगा। कोई बात नहीं, एक मोना ही गई है ना, अब मैं एक नई मोना ले आऊंगा। नई मोना? लेकिन नई मोना कहां से आएगी? हेलो डॉक्टर जरीवाला, मिस्टर पृथ्वी, मुझे पता चला मोना के बारे में। आई एम सो सॉरी, पर उसने ऐसा क्यों? नहीं नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं, इसमें आपकी क्या गलती है? हो जाता है कभी कभी, इंसान को समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है। मोना के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही, वो भूल गई थी कि वो एक नर्स है, कोई किलर नहीं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं डॉक्टर। डॉक्टर मुझे ना आपसे बस एक फेवर चाहिए, आप मुझे मोना का रिप्लेसमेंट भेज दीजिए, मोना जैसी एक न्यू नर्स भेज दीजिए। डॉक्टर आप जिसे भी भेजेंगे ना, आई विल बी टोटली ओके विद इट, बिकॉज आई ट्रस्ट यू डॉक्टर। या श्योर मिस्टर पृथ्वी, मैं भेज दूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बाय। डन। अब तुम देखना मोना की रिप्लेसमेंट आएगी, मोना की तरह एक न्यू नर्स आएगी, और उस नर्स को मैं जैसे मोना को पैसे खिलाता था ठीक वैसे ही पैसे खिलाऊंगा, और वो हमारे लिए काम करेगी और महेश लूथरा को उस हाल में रखेगी जिस हाल में हम महेश लूथरा को देखना चाहते हैं, यानी कि पागल।
बेचारी प्रीता, उसे ये लग रहा है कि आज महेश लूथा की बर्थडे पार्टी के बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए बेसमेंट से शिफ्ट करा के घर में ले आएगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। गॉड, मैं तो भूल ही गई कि ये सारे लूथरा महेश लूथरा के बेसमेंट में गए उसे घर में लेकर आने के लिए। अगर मैं वहां पर नहीं दिखी तो उस प्रीता को मुझ पे शक हो जाएगा। मैं भी वहां जाती हूँ। I'll see you later. पृथ्वी मल्होत्रा, तेरे पास सिर्फ आज का दिन है। आज महेश लूथरा की बर्थडे पार्टी है, और प्रीता को ये लग रहा है कि वो महेश लूथरा को हमेशा हमेशा के लिए घर में वापस ले आएगी। मतलब कि उसको ये लग रहा है कि आज की रात उसकी रात है। इसीलिए सैड, क्योंकि उसे पता नहीं है कि आज की रात होना है क्या। भाई डरिए मत, भाई मैं करीना हूं, आपकी बहन। आपको याद है मैं आज सुबह आपसे मिलने आई थी। आपका बर्थडे है भाई, मैंने आपसे आके आपको हैप्पी बर्थडे विश किया, याद है भाई? देखिए आपको कितने सारे लोग विश करने आए हैं, मॉम भाभी सब लोग। हम सब है ना, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आप प्लीज प्लीज डरिए मत। बुआ, मुझे नहीं लगता कि पापा जी रेडी है हमारे साथ ऊपर आने के लिए। देखिए ना, हमें देखकर कितना डर गए। शौलिन, ट्राई तो करना पड़ेगा ना, पता कैसे चलेगा कि मामा जी आना चाहते हैं हमारे साथ कि नहीं। वैसे पृथ्वी की हर बातें सही तो नहीं होती है, लेकिन शायद वो महेश अंकल के मैटर में सही कह रहा हो। वो शायद इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो हमारे साथ ऊपर जा सके। हाँ, वो पृथ्वी जी की बात तो सही होती है, मगर हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी ना मामा जी को एक बार ऊपर लेके जाने की। क्या पता आए नहीं आए, पर ये भी बात सही है कि शायद वो आना ही ना चाहते हो। महेश जी, आपने मुझे पहचाना, मैं राखी आपकी पत्नी। मैं राखी हूँ महेश जी, आप मुझे प्यार से राखी जी बुलाते थे ना, याद है? हम में से कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचाएगा महेश जी। देखिए मेरे हाथ खाली है, मेरे हाथों में कुछ नहीं है, एक चीज है जो नजर नहीं आ रही है, वो है आपका हाथ, आपका साथ। अपने साथ ही तो ले जाने आई हूँ आपको महेश जी। आज आपका बर्थडे है ना, देखिए हम सब आए हैं आपको अपने साथ ले जाने। आप अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे ना? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे महेश जी। ये मैं ही खोल दूं? खोल देती हूँ, अब इनकी कोई जरूरत। महेश पुत्र,
मैं मम्मी जी तो तुझे याद नहीं, भूल गया मुझे, मेरा बच्चा, मैं मम्मी जी तेरी, तू डर रहा है मुझसे, आजा मेरा बच्चा, आजा, आजा, सुख, उठ, शाबाश बच्चे, शाबाश मत भाई, कोई नहीं है, चलिए। क्यों परेशान हो रही है बेटा? परेशान नहीं हो रही दादी, नर्वस हो रही हूँ, मतलब थोड़ी एंशियस हो रही हूँ, मतलब खुश हूँ कि महेश पापा आज बेसमेंट से बाहर इस घर में आ रहे हैं, अब यहीं रहेंगे, लेकिन एक बात की चिंता भी हो रही है, जो करना चाहती हूँ वो पूरी तरह से अभी नहीं हुआ है। आई होप कि कोई अड़चन ना आए, सब जैसे सोचा है वैसे ही हो जाए। चिंता ना कर बेटा, वो ऊपर वाला है ना, तेरी हर मनोकामना पूरी करेगा। मैं हूं साथ में, आइए। मैं नहीं जाऊंगा, सीढ़ी हिल रही है। नहीं बोला डैड, मैं हूँ आपके साथ, कुछ नहीं होगा, चलिए आइए मुझे साथ आइए। डैड घूम रही है, मैं गिर जाऊंगा, डैड कुछ नहीं होगा, डैड कुछ नहीं होगा, महेश अंकल दीजिए अपना हाथ, दीजिए दीजिए हाथ। अरे महेश अंकल मैं हूं ना, अरे अरे डरिए मत, मैं हूं ना, मैं आ गया हूँ, अब आपको कुछ नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स, क्या हुआ? कुछ नहीं है, सीढ़ियों पे कुछ नहीं है, दीजिए हाथ दीजिए। महेश अंकल मेरी बात सुनिए, ये देखिए, ये मेरे पैर में ना
मेरे जूतों के नीचे मैग्नेट है। अगर आप अपना हाथ मेरे हाथ में दोगे ना तो हम एक साथ ऊपर जाएंगे, तो आप नहीं गिरेंगे। पता है कैसे? क्योंकि मेरे जूतों में मैग्नेट है, हम सीढ़ियों से नहीं गिरेंगे। ओके, दीजिए अपना हाथ, मैं आपको ऊपर ले चलता हूं। आइए दीजिए। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, मत डरिए आप। देखिए, अगर आप ऊपर नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, आपके कमरे में, बेसमेंट में। चलिए। बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल हाँ, तुम देख नहीं रही हो इनको किस तरह से उन्हें डर लग रहा है, कितनी तकलीफ में सहम गए, डर गए, इनको सीढ़ियां नाचती हुई नजर आ रही है। तो इनके लिए यही सही होगा कि नीचे बेसमेंट में उनके कमरे में ले जाए, क्योंकि वही उनका कंफर्ट जोन है। बिल्कुल नहीं, डिसकंफर्ट जोन है। वो किसका कंफर्ट जोन हो सकता है? वो कंफर्ट जोन बना दिया गया है महेश पापा को वहां 2 साल रख के। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वही रहेंगे। अब महेश पापा बाहर अपनी फैमिली के बीच में रहेंगे। मैं महेश पापा की ढाल बनकर उनके साथ खड़ी रहूंगी, उन्हें वापस बेसमेंट में नहीं जाने दूंगी।